हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगन राजा और आज मैं आपको 10 टिप दूंगा लड़कों के लिए पैसे की, जो शादी करना चाहते हैं उनको ये 10 बातें शादी से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी शादी करता है और शादी करना ज़रूरी भी है। कई लोगों को बहुत लेट शादी करते हैं, वो अपनी बैचलर लाइफ को इंजॉय करते हैं, और बहुत लड़के होते हैं जो जल्दी शादी करना चाहते हैं, उनको मेरिड लाइफ और जेंटलमैन पहले सेट को न जाने के बाद जिंदगी जीने का ज़्यादा मजा आता है। लेकिन कभी ना कभी आपको शादी तो करनी होगी, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शादी के बाद लड़कों की लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आता है। कुछ चेंजेस आता है, आपको पता भी नहीं होगा कि आपको उसके बाद क्या क्या करना पड़ा। तो उसके बाद इससे पहले आपको कुछ समझ लेना चाहिए कि मैरिज लाइफ के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएगी और उस चेंजेस को आपको कैसे हैंडल करना है और उन परिस्थितियों में आपको कितना रिएक्ट करना है। तो मैं लड़कों के लिए खास 10 टिप्स दूंगा जिन बात को शादी से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि शादी के बाद आपको क्या एग्जैक्टली करना है। सबसे पहले मैं कहूँगा लड़कों को कि कुछ भी अनुमान ना लगाए, आपके पार्टनर के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगाना, क्योंकि आपने सिर्फ उनको अभी तक इतना अच्छी तरह से जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, आप उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, तो उनके बारे में इतना गलत अनुमान मत लगाएगा कि वो कहाँ से आ रही है, कि कितने लोग कैसे लोगों के बीच में जा रही है, तो ऐसी होगी वैसी होगी। बहुत सारे लड़के बहुत ही बड़ी गलतफहमी कर देते हैं कि उनके बारे में अनुमान लगा देते हैं कि वो एरिया से ऐसे क्षेत्र से आ रही है, इसलिए इतनी उनकी सोच ऐसी होगी या इतनी होगी। ये बहुत ही गलत बात है और घटिया बात है। इसलिए बहुत सारे लड़के होते हैं अच्छे लड़कियों को अपनी लाइफ में आने से पहले ही खो देते हैं। तो इतना गलत अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, पहले उसको आने दो आपकी लाइफ में, कुछ टाइम स्पेंड करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी है कैसी नहीं। तो यहाँ पर आपको ये फूल कभी नहीं करनी है और अपना दिमाग खुला रखना है और पहले उनको जज नहीं करना है, क्योंकि हम एक्सपर्ट होते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो ऐसी होगी या ऐसी होगी, तो ये बिल्कुल नहीं करनी है। और शादी में सबके इम्पोर्टेंट होता है विश्वास। विश्वास तो हर रिलेशन में सबसे पहले आता है, तो आपको विश्वास रखना सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आपका रिलेशन एक विश्वास के बना बिना इमारत जो होती है, जो उनकी नींव बिल्कुल भी मजबूत नहीं होती, वैसी बन जाएगी, तो आपके मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको सीखना है कि आप अच्छी तरह से उन पर विश्वास करो, क्योंकि आप अगर विश्वास करोगे तो ही आपका रिलेशन अच्छा चलेगा। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि अब शादी के बाद आपको जिम्मेदारियाँ उठाना सीख लेना चाहिए। ये दो लोगों का रिलेशन है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होगी, तो आपको ये सीख लेना चाहिए कि आप अब तक इंडिपेंडेंट थे लेकिन शादी के बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई, तो जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाए और जिम्मेदार इंसान बने, तो ये चीज़ आपको सीख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ आपको करनी होगी कि आपको यहाँ पे अपनी वाइफ को सुरक्षा देनी होगी और उनको महसूस भी करवाना होगा कि आप सुरक्षित हो। कोई लड़की आपकी लाइफ में आती है तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आती है कि पूरी लाइफ आप उसकी सुरक्षा करोगे, उसकी हर सेकंड में हर परिस्थिति में आप उसकी हेल्प करोगे, तो आपकी फर्ज है कि उनको सुरक्षित महसूस कराएं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको हर हाल में उनको सुरक्षा भी यानी कि प्रोटेक्शन भी देना है। पांचवी चीज करनी है कि ये भी आपको करना है कि अगर आप अच्छे हस्बैंड बनना चाहते हैं तो आपको उनकी केयर भी करना पड़ेगा, तो उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी करना पड़ेगा। तो उनकी कहाँ पर तबीयत खराब होती है या उनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको उनकी छोटी छोटी बातों में मदद करनी पड़ेगी और बहुत सारा देखभाल भी करना चाहिए। छठी बात मैं कहूँगा कि औरतों के हर लड़के को सम्मान करना चाहिए, कि वाइफ होती है वो एक स्त्री होती है, जैसे हम अपनी माँ और बहन का इज्जत करते हैं सम्मान करते हैं, सेम चीज आपको यही उन्हीं नज़र से देखना है, तो आपको स्त्रियों का सम्मान भी करना चाहिए। ये लड़कों को अपने वाइफ के साथ अलग और अपनी माँ बहन के साथ अलग ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको एक नज़र की एक स्त्री की नज़र से उनका सम्मान भी करना चाहिए। सातवीं बात मैं कहूँगा कि एक पति के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक प्रेरणात्मक पर्सन बने उनके लिए, कि उनका पति हो वो उनसे प्रेरणा ले, कि हर चीज़ में हर काम में आप उनको प्रेरणा दो ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। आप सबसे करीब उनके होते हो तो वो आपके लिए, जब आप उनको प्रेरणा देते हो तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करेगी और आपकी कही गई हर बात उनको ज़्यादा लगाव देगी, इसलिए उनके आप एक प्रेरणादायक पर्सन बनेगी, आपकी जिम्मेदारी है। आठवीं बात कहूँगी कि आपकी सोच एक मैरिज लाइफ में बहुत ही खुली होनी चाहिए, हर चीज़ में आप खुल के सोच सकोगे, उन पर लांछन नहीं लगाओगे यानी कि उनको बंधन में नहीं डालोगे, यानी कि आपको सोचना चाहिए कि ये आपकी वाइफ है तो ये उनको भी उतनी फ्रीडम मिल जाए जितनी और औरतों को मिलती है, तो आपको यहाँ पे खुले सोच रखने की ज़रूरत है ताकि आपके कारण किसी आपकी वाइफ को उनका कोई मतलब बुरा प्रभाव ना पड़ सके। नौवीं बात मैं कहूँगा कि आपकी ये भी जिम्मेदारी बन सकती है कि आपको एक मदद करनी चाहिए,
और जिद में हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए। आपकी वाइफ में कई लाइफ में ऐसे बहुत टाइम आएगा जब उनको आपकी ज़रूरत की ज़रूरत होगी, तब तो आप भी पहले इंसान होंगे जो उनको सबसे अच्छी तरह से मदद करना कर सकते हो। तो आपके इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप उनको खुली प्रेरणा भी दे सको और उनको अच्छी तरह से मदद भी कर सको। तो 10वीं में बात करूँगा कि आपको ऐसी चीज़ मान लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि आखिर आपकी वाइफ होती है वो एक आपकी अच्छी दोस्त होती है, नहीं कि आपकी नौकरानी। तो आपको यहाँ पे उनके साथ व्यवहार करने में और उनके साथ बात करने में और उनके साथ लाइफ स्पेंड करने में ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि एक वाइफ होती है हमारी सबसे अच्छी एक दोस्त होती है। तो इस प्रकार के उनके साथ व्यवहार किया जाए, उन प्रकार उनके साथ बातचीत किया जाए। और अलग का अपनी लाइफ में इन चीज़ों का ख्याल रखना ही चाहिए। अगर आपकी लाइफ अभी बेचलर है तो आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ताकि आपकी मैरिज लाइफ हो जब आपके सामने ये पड़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छा असंभव ना लगे।